नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबाई रंग न्यूज और एंटरटेनमेंट टीवी चैनल और मैं हूं कमल स्या। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आईनी तरमीम और अदालती इस्तेहाद, हुकूमत ने ऑपोजिशन के साथ हाथ बढ़ा दिया। पार्लियामानी उमूर पर वसीतर मुशावरत का फैसला, पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी को पार्लियामानी उमूर भी सौंप दिए गए। खसूसी कमेटी बराए पार्लियामानी उमूर का हंगामी इजलास दोपहर 2 बजे होगा। अदालती इस्लाहात से मुतालिक मुसविदा पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। उधर स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में अहम इजलास, पार्लियामानी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह भी मौजूद। मुजावजा आईनी तरमीम पर बातचीत की गई। खुर्शीद शाह कहते हैं अब सियासी बहरान हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि वो हम अमेंडमेंट लाए जिसमें सारी पार्टियां उतर। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को लाल झंडी दिखा दी। मौजूदा सूरत हाल में किसी भी जज की उम्र की हद बढ़ाने की मुखालफत, जजिस की तादाद में इजाफे को भी मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने आईनी असलाहत का मुसविदा JI को दे दिया। JUI की मजलिस आमला का इजलास तलब, वीडियो लिंक होने वाले इजलास की सदारत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुमकिन आईनी तरामीम की मुखालिफ, अपने अराकीन असम्बली को हिमायत ना करने की हिदायत कर दी। आईनी तरमीम का बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा या नहीं, हुकूमत की जानिब से मुशावरा जारी। कौमी असम्बली और विफाकी काबीना इजलासों का वक्त तब्दील। पार्लियामेंट का इजलास शाम 4 और विफाकी काबीना की बैठक सपहर 3 बजे लगेगी। सेनेट इजलास भी आज तलब। मुस्लिम लीग नून के तमाम अराकीन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। विफाकी काबीना आईनी तरामीम के पैकेज पर गौर करेगी। विफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और आजम नज़ीर तारड़ मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। विफाकी काबीना मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिबात पर भी गौर करेगी। आईनी तरामीम की बॉल मौलाना के कोर्ट में। हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए फजलुर रहमान की हिमायत लाजिम। हुकूमती इत्तेहाद के सरबराह JUIFA को मनाने के जतन। विफाकी बुजरा आजम नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से रात गए मुलाकात। हुकूमती वफ की आईनी तरमीम के मुसविदे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से मुलाकात में पेशरफ से मुतालिक आगाह किया। हुकूमती वफ गया तो तहरीक इंसाफ का वफ मौलाना से मिलने पहुँच गया। फजलुर रहमान से हुकूमत की बातों में ना आने की दरख्वास्त की। तहरीक इंसाफ वाले निकले तो बिलावल भुट्टो पहुँच गए। मुलाकात के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो विक्ट्री का निशान बनाते हुए रवाना हुए। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। जराए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन अगले लायहा अमल से मुतालिक फैसला करेगा। टूटी सड़कें, नाकिस सीवरेज निज़ाम, जगह जगह गंदगी के ढेर कराची की पहचान बन गए। मुख्तलिफ इलाकों में जा बजा गंदगी से आवाम परेशान। हुकूमत और इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस गटरों के ढक्कन भी गायब। कई इलाकों में खुले मैन होल भी शहरियों के लिए अजियत बन गए। MA जिना रोड के मकीनों का सुनवाई ना होने का शिकवा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी, पाकिस्तानियों को भी बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर तक कमी मुतवक्के। पेट्रोल 11 रुपये 70 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 91 पैसे और मिट्टी का तेल 8 रुपये 30 पैसे सस्ता हो सकता है। वज़ीर आज़म ने मंजूरी के बाद पेट्रोलियम कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा।